Student, this is class A's. Now we will continue our further lecture of chapter 2. It's Broda's cat. So we'll continue from here. Baromama cat to expound on his theory. He believed that the cat was a sadhu in disguise, spending his days in meditation. A large bowl of milk or fish couldn't lure it. So, what he's explaining here, Baromama continued to usne explain karna shuruki upni theory ko. उसने कहा कि मैं बिलीव करता हूँ कि जो कैट है वो साधु है अपने जो डेज है वो मेडिटेशन में स्पेंड कर रही है और एक बड़ा कटोरा जो दूध का और फिश जो है वो उसे इम्प्रेस नहीं कर सकती या अट्रैक्ट नहीं कर सकती इट स्पेंड हिज डेज क्वाइटली इन अ स्पेशल मेडिटेटिव ट्रांस शोइंग इमेंस पेशेंस इवन वेन क्रो पेक्ड ऑन इट्स टेल और स्पैरोपोर्स्ट ऑन इट्स हेड सो वही इज हियर कि वो अपने पूरा दिन एक स्पेशल मेडिटेशन में स्पेंड कर देती है और बहुत ही पेशेंस के साथ वो रहती है क्यों अगर उसे कोई क्रो अगर उसके टेल को आके खा रहा है या कोई स्प्रेस के ऊपर आके बैठ रही है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो अपने पेशेंस से और अपने मेडिटेशन से अलग नहीं होती बैरोबामा बिलीव डेट द कैट वॉज अ स्परिचुअल बींग इट हैड ट्रांसचेंड transcended into realm of uh, goodliness godliness where there was no jealousy greed or anger bairo mama ye believe karta hai ki cat jo hai wo spiritual being hai aur uh, usne और वो अपने limit के बियॉन्ड जाके वो उस godliness लाइनस के एरिया में जा चुकी है जहाँ पे कोई जेलसी नहीं है कोई ग्रीड नहीं है और कोई एंगर नहीं है This cat would be able to look after the mice and take charge of store full of food. It, it was dependable cat. If cat wanted, it mice and fill its food. But that was because it was a dependable cat. Thi. My mother's middle brother, Manjo Mama had recently returned from Sydney. Like an Englishman, he now enjoyed the pipe, watched tennis on television, drank his dal from a bowl and called it soup. ही वॉन्टेड टू प्ले गोल्फ जो मेरी मम्मा uh, मम्मी का जो मंजिला भाई है मैंजो मामा वो अभी ही फिलहाल ही सिडनी से लौटा है एक इंग्लिश मैन की तरह अब वो पाइप इंजॉय करता है लाइक द पिक्चर स्ट्रॉइंग द पाइप वॉच टेनिस ऑन टेलीविजन टेलीविजन में टेनिस देखता है और कटोरे से दाल पीता है जिससे वो सूप कहता है और वो गोल्फ खेलना चाहता है बाय नाव ही हैड इनफ ऑफ द साधु टर्न कैट एंड सेड इन प्रोटेस्ट वाई साधु शुड बिकम ब्रॉडास्कैट इफ दे वॉन्ट टू री इनकारनेट दे कैन बिकम द होली ट्रीज ऑफ बृंदावन ऑन बिहाफ ऑफ द साधुज आई रजिस्टर माई हम्बल प्रोटेस्ट इन दिस रिकार्ड सो अभी तक उसके पास ऐसी काफ़ी कैट्स हो जाती है जो कि साधु टर्नड कैट होती है जो साधु बन चुकी होती है और प्रोटेस्ट में वो कहता है कि जब साधु को आ, हर साधु को ब्रोडास कैट क्यों बननी होती है जब उन्हें पुनर्जन्म लेना ही है तो वो वृंदावन का एक बड़ा सा ट्री बन सकता है और साधु के बजाय मैं अपना अपने आप को इस आ, इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट करता एंड मशीमा वेटेड विथ हिज बेटर ब्रेथ फॉर हर एल्डर ब्रदर टू रिटेलिएट और इसे सुनते हुए आ, कहते हुए या फिर रजिस्टर्ड करते हुए मैंजो मामा जो है वो अपने पाइप को क्लीन करते हुए चले जाता है माशिमा वेट करती है होल्डिंग्स वन अपनी ब्रेथ को uh, पकड़ के फॉर हर एल्डर ब्रदर टू रिटेलिएट कि वो uh, उसका जो बड़ा भाई है वो उसे रिस्पॉन्ड करे मामा इन दिस मीन टाइम वॉज बिजी ट्राइंग टू ओपन द कॉर्क ऑफ मेडिसिन बॉटल ही हैड बीन एट इट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ दो फ्रस्ट्रेटेड ही गिव अप बैरो मामा जो उसका बड़ा भाई है उस वक्त वो मेडिसिन uh, की बॉटल का ढक्कन खोल रहा था और uh, वो काफ़ी देर से शांत था फ्रस्ट्रेटेड था लेकिन वो गिव अप नहीं करता नॉट गेटिंग एन आंसर माशिमा सेट डिड यू हियर वॉट मैजदा सेट यस आई हियर्ड वॉट डू यू हैव टू से आग माशिमा ये अपना जब कोई आंसर नहीं मिला तो माशिमा ने कहा क्या तुमने सुना मैजदा ने क्या कहा तो आ, बैरो मामा कहते हैं हाँ मैंने सुना सो so, वो माशिमा कहती है तो तुम क्या बोलोगे लेट्स मी रिफ्रेस देंटेंस इंस्टेड सी दैट कैट हैज टेकन द फॉर्म ऑफ साधु इन लाइफ नाउ देयर शुड बी नो प्रॉब्लम सेट मामा नॉन चेंटली एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम तो उसमें अब उसने वो कहता है कि ये फ्रेज को करेक्ट करते हुए और या फिर मुझे दोबारा से उसे ठीक करते हुए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ साधु बिकमिंग कैट साधु जो है वो कैट बनने के बजाय हम ये कह सकते हैं कि कैट जो है उन्होंने साधु का फॉर्म ले ली है अपने लाइफ में नाउ देयर शुड बी नो प्रॉब्लम अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी बैरो मामा ने एक अलग वे में इसे बोला और रूम से चलो चले गया एंड लाउड बूमिंग वॉइस ही कॉल्ड आउट मी गेट अ नाइफ सीजर एक्स वॉट एवर यू गेट आई विल ओपन दिस बॉटल देन ओनली ड्रिंक वाटर ही डिक्लेयड विद फुल फेरोसिटी सो उसने जोर से Uh, चिल्लाते हुए uh, और मुझे बुलाते हुए कहा कि या तो चाकू ले आओ या तो सीजर ले आओ या तो एक्स ले आओ जो मिलता है वो ले आओ मैं इस बॉटल को खोल कर uh, और आई विल ओपन दिस बॉटल एंड देन ऑनली ड्रिंक वाटर मैं जिस बॉटल को खोलूंगा तभी मैं पानी पीऊंगा इसने uh, उसने ये बात को डिक्लेयर किया बहुत ही क्रूरता से हियरिंग हिज ब्रदर मामा टॉन्टेड इट्स द किंग ऑफ चिटॉर्स प्रॉमिस डेट कैन नॉट बी ब्रोकन this is what happened when the take free sample medicine if you buy medicine like us then opening bottle is, uh, is e bottles is easy he added give him tetanus injection there is a bond to be bloodshed so manjo mama ne uski puri baat sunte hue ye kaha aur use taunt diya ki ye chitors king ka promise hai jo ki toot nahi sakta और जब आप कोई भी medicine का sample ऐसे free में लेके आओगे तो ऐसे ही होगा Then opening bottle और अगर तुम हमारी तरह medicine लोगे इट विल बी इजी टू ओपन उसे खोलना ईजी होगा और उसने ऐड किया कि गिविंग हिम टिटनेस इंजेक्शन देयर इज अ बाउंड टू बी ब्लड शेड और अगर टिटनेस अग, का इंजेक्शन दूँगे तो वहाँ पे ब्लड शेड की सीमा होगी सो फ्रेंड स्टूडेंट दिस ऑल दैट वी विल बी डूइंग एक्सप्लेन द फर्दर लेसन इन आर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू गुड डाई